देखिए, मैं इतना बात कहना चाहूँ, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज पहुंच रहा है, और जो आप सच्चर कमेटी को कोट करते हैं कि अधिकांश मुसलमान ज़्यादा गरीब हैं, तो स्वाभाविक रूप से 80 करोड़ में से ज़्यादा मुसलमानों को अनाज पहुंच रहा है। जिन किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 लाख करोड़ जो ट्रांसफ़र हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम किसान ज़्यादा गरीब है जो आपके अनुसार से, तो उनको ज़्यादा हो रहा है। आयुष्मान योजना का लाभ क्या उनको नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कौन सी ऐसी योजना है जिस योजना में धर्म का मुहर लगा हुआ है? कौन सी ऐसी नीति है जिसमें संप्रदाय का मुहर लगा हुआ है? कौन सी ऐसा ऐसा कार्यक्रम उन्होंने लागू किया है जिसमें किसी धर्म को रोका जा रहा है? अब मैं बताऊं हलाल और हिजाब पर, ईरान में क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, जहां की महिलाएं सड़क पर उतर कर आज जिस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, जिस रूप में कर रही हैं, क्या उसके पीछे क्या है? लॉर्ड स्पीकर की बात पर मैं आता हूं, टर्की में 98% मुसलमान है। तुर्की में क्या है, आवाज पर एक खास 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 आवाज की एक खास गति है, खास इंटेंसिटी है, तो वहां पर आपको आपत्ति नहीं हो रही है। और हलाला मीट पर डेनमार्क में, स्वीडन में, कई यूरोपियन देश में, यूरोपियन यूरोपियन नेशन के कोर्ट ने इसको बैन किया है, कि बैन करने की बात कही है, कि एनिमल राइट्स, आरएसएस तो बाद में आया, भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार बाद में आई, भारत में एनिमल राइट्स के जो लोग हैं, जो आरएसएस से असहमत रहते हैं, जो आरएसएस के आलोचक हैं, वो एनिमल राइट्स के लोग किस बात का समर्थन कर रहे हैं पूछ लीजिए, क्या वो सेकुलरिज्म के खिलाफ कर रहे हैं? और एनिमल राइट्स वालों को मैं ये मानता हूं कि उनकी छवि, उनका अंदाज, उनकी नीयत साफ है। तो आप हलाला करके, क्या हलाला से आपका धर्म चलता है? क्या हिजाब से इस्लाम का अस्तित्व रहता है? स्कूलों में हिजाब पहनकर नहीं जाएंगे तो इस्लाम समाप्त हो जाएगा? आप कौन सी बात, किस दुनिया में रह रहे हैं? मध्य युग से भारत नहीं चल सकता, भारत के संविधान से चलेगा। ठीक है, एक बात अंतिम 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 बात, नरेंद्र मोदी जी ने क्या 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 मजहब में किसी को नमाज पढ़ने से रोका है? सड़कों पर ही हम नमाज पढ़ेंगे, सड़कों को रोक कर रखेंगे, तो कल कोई आएगा कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कोई गुरुद्वारे के लोग आकर सिख समाज के लोग कहेंगे हम सड़कों पर बैठ कर हम अपना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे, क्या इससे देश चलता है? क्या देश में एक सहमति बनाइए, और सहमति में मानता हूं कि हिंसा के द्वारा नहीं, जोर शोर से नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से, विमर्श से, मिलजुल कर करें काम। और मोदी जी ने कब आपको रास्ता रोका है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कब गले नहीं लगाया है? एक बात देखिए, एक तो ये जब सिविलियन, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सऊदी में मिला, तब मोदी जी कहकर आए थे कि हम देश में इस्लामिक बैंकिंग लागू करेंगे। की इन्होंने लागू, या अभी भी बताएं सेना साहब, क्या इस्लामिक बैंकिंग इंडिया में लागू होगी? दूसरी बात, जो मुसलमानों के घरों को छाट छाट के बुलडोजर चलाया जा रहा है, यानी उनके पूरा उनके कोई जो प्रक्रिया है जो पुलिस की और अदालत की, वो भी ना करके सरकार डायरेक्ट ही उसको जो है वो घर बुलडोज कर रही है, चाहे इलाहाबाद में किया हो, चाहे बरेली में किया हो, चाहे और जगह पे किया हो। इसी तरीके से जो घर तो विकास 1000 साल से यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई मुसाफिर अगर नमाज पढ़ता है, तो उस मुसाफिर के लिए अगर ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे पढ़ ली, तो उसके लिए आप जेल में डाल देते हैं, जबकि हमारे रेलवे स्टेशन पे और भी सारे और दूसरे मजहब के भी लोग काम करते हैं। इसी तरीके से जो मुसलमानों का खास तौर से जो उनके मजहबी जगह हैं, चाहे उनकी इबादत की जगहें हों, उनके बारे में आपका क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से आप ही के खुद सरसंघचालक को ये कहना पड़ता है कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढो, तो ये सब जो आपने माहौल बनाया है, जाहिर बात है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बनाया है आपने, और इनके खिलाफ ही आपकी पूरी पार्टी की नींव रखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय लेवल पर छवि चमकाने के लिए मुस्लिम राष्ट्र से सिर्फ आप दोस्ती रखते हो, तारिक साहब, भारतीय मुसलमानों से आप दोगला और भेदभावपूर्ण रवैया रखते हो। क्या मोदी जी को दुनिया भर के मुसलमान पसंद करते हैं, पाकिस्तान या एकाध उसके नजदीकी दोस्त को छोड़कर, लेकिन भारत के मुसलमान क्यों पसंद नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्या कहना है? पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूं कि ये 1955 से हिंदुस्तान मिस्र की दोस्ती बहुत करीबी है। एक जमाने में ये जेट फाइटर HF-24 साथ बनाने वाले थे, उसकी वजह ये थी कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव था हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान, उसने 1955 की वॉर में अमेरिका की मदद की थी, साथ जुड़े थे, और मिस्र और सीरिया के अगेंस्ट भेजा था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, इसीलिए मिस्र में और अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानियों को जूता मारा जाता था,
और इंडियन मुसलमान जो जाके अपने आप को आधा अरब बताने की कोशिश करता है उसकी भी इंसल्ट होती है, क्योंकि वो अपने आप को हिंदुस्तानी बताने के बजाय वो नीम हकीम बना के वहां गलत सी अरबी बोल के करता है। इस तरह नहीं है, हर दुनिया के मुस्लिम मुल्क का अलग कल्चर है और वो उस पर अपने फख्र करते हैं। ईरानी हैं, इंडोनेशियन हैं, टर्किश हैं, सबकी जबानें अलग हैं। जो हिंदुस्तान के मुसलमान, जो खासतौर पर पाकिस्तान पार्टीशन के बाद एक सोच डाली गई कि आपका काम है हिंदुस्तान पे गजवा हिंद करना, जो तारीख में लिखा गया, और हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाना और सारे हिंदुओं को मुसलमान करना। साफ बात करिए कि क्या ये मस्जिदों में नहीं बताया जाता? क्या तालिबान का जो आइडियोलॉजी है वो दियोबंद से नहीं है? पूरा आपके मिडिल ईस्ट के अंदर अरब हाथ जोड़ के कहते हैं पाकिस्तान की बीमारी क्या है, ये अपने आप को क्यों अरब बनने की कोशिश करते हैं? आप देखिए मस्जिदों में भी, मैं जुमे को जाता हूं, बांग्लादेश और पाकिस्तानी जो लोग जाते हैं अरबी जुब्बा पहन के जाते हैं, किसने कहा आपको? और जहां तक ये बात है ना कि नमाज पढ़नी हो तो सड़क पे पढ़ लें, जनाब सफर के वक्त मुसलमानों को इजाजत है नमाज नहीं पढ़ने की, तो ये ट्रेनों के अंदर और सड़कों पे जो करते हैं ये इबादत नहीं है, ये शोबाजी है, दादागिरी है कि हम आए, हाँ कर लो, क्या करोगे? तो एक आदमी सड़क के ऊपर, आपने देखा होगा कल परसों का वीडियो है, ट्रैफिक रोके हुए खड़ा हुआ बच्चा जानमाज बिछा के। दिस इज नॉट इबादत, दिस इज नॉट पाइटी। ये पेरिस में भी करते हैं, वहां भी जूते खाए हैं, स्टॉकहोम में भी हुआ, ये दिल्ली में मैंने अपनी आंखों से देखा, ठीक है, पूरी मस्जिद सामने है, सड़क रोक के खड़े हुए। तो जब तक आप अरब दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, नेहरू जी और नासिर के भी थे, और पाकिस्तान को डिसमिस इसलिए किया गया था क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बन गया था और सीटों और सेंटों का मेंबर था जिसके थ्रू वो फार ईस्ट और मिडिल ईस्ट के अंदर शायरान के साथ और ये तुर्कों के साथ एंटी इंडिया अपना एजेंडा चलाते थे, क्योंकि इंडिया और अरब वर्ल्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट, चलिए मैं इससे आगे चलता हूं, लेकिन लेकिन तारिक साहब, अतीक भाई इसका जवाब जानना चाहते हैं और मैं अतीक भाई से सीधा सवाल पूछता हूं। अतीक भाई, क्या सफर में मुसलमानों को इजाजत है कि वो नमाज न पढ़े? पहली बात तारिक साहब ने कहा, और दूसरी बात उनका ये कहना है कि कुछ मुसलमान हैं ऐसे कट्टरपंथी भारत में जो अभी भी पाकिस्तान की तरफ एक सोच रखते हैं, और उन्होंने कहा कि मस्जिदों के अंदर बकायदा ये बात सिखाई जाती है कि आपको कट्टरपंथी कैसे बनना है। ये तारिक साहब का एक बड़ा फेवरेट रिकॉर्ड है जो कि ये हमेशा डिबेट पे बजाते रहते हैं, क्योंकि जहां तक के सफर की बात की, इन्होंने नमाज किसी भी सूरत में तल्ख नहीं की जा सकती है, अगर सहूलत है तो नमाज अदा करना चाहिए। प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं कहा फतेह साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, बीच में नहीं कहा, आप मुसलमान होते हुए झूठ बोल रहे नहीं कहा, मैंने आपके बीच में नहीं कहा, अरे मैं आपको कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, प्लीज दीपक जी, सफर में नमाज आधी हो जाती है, छोड़ी नहीं जा सकती है, और कोई भी मुसलमान चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पूरी दुनिया का हो, शौक से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहता है। हमारे पास पूरे के पूरे प्रूफ है जहां पर जुमे के दिन मस्जिद में जगह कम हो जाती है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें दीपक जी, मैं थोड़ी सी बुनियादी बातों पर आना चाहता हूं, प्लीज आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल, बताइए इंडियन मुस्लिम को बीजेपी और नरेंद्र मोदी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। एक बड़े तबके, ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है।